हेलो दोस्तों, टेक्निकल आमिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मैकलारेन एल्वा कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, इसको ऐसा कीजिए। ऐसा करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड ऑन में जाइए। उसके बाद GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTA 5 मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मार्स में जाइए। उसके बाद अपडेट XCC4 DLC पैक्स। उसके बाद एक्शा किया वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ एल्वा का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको GTA 5 DLC पैक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट update.rpf कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का टेक्स्ट दिख रहा है ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद हम कौन से बैक टेस्ट को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद लास्ट में पेस्ट कीजिए। लास्ट में पेस्ट करने के बाद इतना कट कीजिए। इतना कट करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा ELVA। एल्वा टाइप करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTA 5 ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTA 5 ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इसे स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको मैन्युअली टाइप करना होगा। आपको टाइप करना होगा ELVA, एंटर कीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कार आ चुकी है। मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।